दाल रख लिया है भिगा के, मैंने 1 से 2 घंटा रखा था। टमाटर ले रही हूँ एक, और उसको डायरेक्टली बॉईल करेंगे नमक और हल्दी के साथ। प्रेशर कुकर में बॉईल करेंगे, नमक डाल दिया मैंने और हल्दी डाल के उसको बॉईल करके साइड में रखेंगे। करीबन मैंने 300 ग्राम का चने का दाल लिया है। ये देखिए अंडे लिया है 6, ये देखिए उसको फोड़ के रखेंगे। साथ में लिया नमक, थोड़ा सा मीट मसाला और थोड़ा सा सूखी मिर्च को कट करके रखा है। प्याज बड़े साइज के 2 उसको कट करके रखे हैं, 10 से 12 लहसुन के कलियाँ। इसको बॉईल करके चने के दाल को साइड में रखा है। गैस में थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करेंगे और प्याज को अच्छे से भुनेंगे। ये देखिए अंडा को मैंने फोड़ के रख दिया है। अभी देखिए प्याज मैंने डाल दिया था, थोड़ा सा प्याज ज़्यादा लेते हैं आप इसमें तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अभी इसको थोड़ा सा भुनने के बाद, ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसको, थोड़ा सा पकने के बाद हम डालेंगे इसमें लहसुन। लहसुन को भी इसके साथ थोड़ा सा पकने देंगे अच्छे से। और इसमें मैं ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मुझे ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है। आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद है आप डाल सकते हैं। देखिए लहसुन डाल लिया मैंने, उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। फिर जो टमाटर था ना, जो चने के दाल के साथ हमने बॉईल किया था, तो वो डालेंगे और उसको मैश करके मिला लेंगे। ये देखिए टमाटर डाल लिया मैंने, उसको मिलाएंगे अच्छे से। और मसाले में मैं थोड़ा सा वो मीट मसाला ले रही हूँ, नमक ले रही हूँ और थोड़ा सा सूखी मिर्च, बस दैट्स इट। आपको अगर ये देखिए मैं डाल रही हूँ इसको, है ना, 2 मिनट तक पकाएंगे अच्छे से। फिर इसमें डालेंगे अंडा, ये देखिए इसको अच्छे से मिला लेंगे। फिर अंडा डाल रहे हैं, अंडे को है ना अच्छे से उसको फ्राई करेंगे, पूरा सा पूरा कैसे सूख जाता है ना वो, पूरा सूखने तक उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में थोड़ा सा तेल ऐड कर सकते हैं आप, मैंने बाद में भी तेल थोड़ा लिया है। इसको देखिए अच्छे से इसे मिलाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो कड़छी से इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ये करेंगे, मैश करेंगे। अभी मैंने डाल दिया इसमें दाल, दाल भी उसको पकाएंगे। अभी थोड़ा पानी कम यूज़ करें क्योंकि मुझे थोड़ा सूखा पसंद है, पूरी के साथ पराठे के साथ अच्छा लगता है। कसूरी मेथी और दालचीनी पाउडर, ये दोनों मैंने डाल दिया। अभी देखिए बनकर तैयार हो गया। इसको पूरी के साथ या फिर चपाती के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ मस्त।